हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका मिस मिप्रो ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो हमने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी नई जगह से और काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट किए ब्लॉग, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि आप हमें उस तरह का प्यार देंगे कि नहीं जैसे आप लोगों ने मुझे पहले प्यार दिया था। तो गाइस, ये नए ब्लॉग की शुरुआत की थी मैंने नई जगह से और नई जगह शिफ्ट होने के लिए। तो बेशक ये पुराना घर है पर हमारे लिए नई थी क्योंकि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और बिल्कुल न्यू की तरह बनाना ही चाहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग कंटिन्यू सफाई में लगे हुए थे, हम लोग क्या सिर्फ हम लगे हुए थे, बच्चे हस्बैंड सभी लोग ऐसे अपनी अपनी जगह बिजी थे। तो गाइस, ये सारा काम मुझे ही करना था क्योंकि घर का अरेंज करना, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और उन्हें कभी भी भूख लग सकती थी और कुछ ना कुछ बनाना पड़ता मुझे। तो मैंने किचन से स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे पता था कि किचन साफ़ रहेगा तो कभी भी किसी टाइम कुछ बना लूँगी या बच्चों को दे सकती हूँ इजीली, मतलब पेट भरना चाहिए, पहले पेट वाला काम होना चाहिए। तो मैंने किचन के साथ स्टार्ट किया और किचन में बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लोग गए थे काफ़ी टाइम से, एक साल से कम ये जो क्वार्टर था हमारा ये खाली पड़ा हुआ था। तो डस्ट की वजह से ना एक ऑयल और डस्ट ये सारी ना एक लेयर बन गई थी हमारे जो किचन का जो जाल था। तो और मैंने वही मतलब वही तरीके थोड़े अपनाए कि थोड़ा गर्म पानी वगैरह डाला और ली ब्रश से स्टार्ट की, काफ़ी धुली हुली तो साफ हो गया। मैं भी मतलब मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया कि चलो ये जाले वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे थे, साफ हो गए। और माइंड में इतना नहीं आया कि मतलब चलो, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से कैसे करूँ, कैसे मैंने स्टार्ट तो कर दिया था पर चीज़ें इतनी बिखरी हुई थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कहाँ कौन सी चीज़ रखूँ। बस जैसा दिल कहता रहा मैं करती रही और फाइनली किचन तो साफ हो ही गया था कि आप मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था यहाँ का मौसम आने के बाद, मतलब एक उमस सी मौसम, हल्की हल्की बारिश हुई थी और उमस, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि किसी काम में मन नहीं हो रहा था। फिर करना ही था कि नहीं करूँगी तो फिर कल को पड़ेगा, कल करना ही है तो आज ही जुट जाती हूँ। फिर चीज़ों में देर करने में कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि करना मुझे ही था, तो मैं जुट गई थी। और ढेर सारे बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन, वो सारे भी बर्तन धुलने थे जो मैंने पैक किए थे क्योंकि हस्बैंड ने सारे मतलब जितने भी मेरे पैकिंग थे ना उसको सारे ओपन कर दिया था उन्होंने। तो सफाई करने के बाद उसमें सारे डस्ट चले गए थे और मुझे ऐसे नॉर्मल वाटर से उसे वॉश करना ही करना था। तो मैंने जो जूठे बर्तन थे उसे सफाई की और आप देख सकते हो ना कि मुझे मतलब मैं बहुत थक गई थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ लेती हूँ ब्रेक और मिलती हूँ आपके साथ में।